दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर मार्केटिंग और सेल्स की फील्ड में हैं, तो आपने एक बात के बारे में सुना होगा जो कई लोग कहते हैं कि आपको कोई भी बिजनेस करने के पहले एक मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। तो ये मार्केट रिसर्च एग्जैक्टली होती क्या है और इसका क्या फायदा होता है हमें, इसी चीज के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब बात आती है बिजनेस करने की, तो वहां पर ये कहा जाता है कि आप अगर बिजनेस करने के पहले एक मार्केट रिसर्च कर लेते हैं तो आपको बिजनेस करने में फायदा मिलेगा। तो पहले हम बात करते हैं मार्केट रिसर्च होता क्या है। मार्केट रिसर्च, आप जो भी बेचने जा रहे हैं, जो बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में एक रिसर्चिंग होती है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है मार्केट में, क्या कंज्यूमर उसके लिए डिमांड करते हैं और करते हैं तो कितनी मात्रा में करते हैं, वॉल्यूम क्या है, क्या उसके लिए कोई कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन है तो कितना है, क्या उसमें छोटा कॉम्पिटिशन है या फिर बड़े प्लेयर्स भी उसमें शामिल हैं। ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं, इन सारी चीज़ों का पता लगाते हैं बिजनेस करने के पहले, तो ये मार्केट रिसर्च कहलाती है। अब बात आती है मार्केट रिसर्च फायदेमंद क्यों है हमारे लिए। तो आपने देखा होगा, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं आज के टाइम पे, सबसे पहले आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं। आप कहीं पढ़ाई करने भी जा रहे हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आप ये देखते हैं कि ये कॉलेज कैसा है, क्या मार्केट में और भी कॉलेज हैं जहां से हम ये पढ़ाई कर सकते हैं, जहां से एक कोर्स कर सकते हैं। आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं, वहाँ जॉब अपॉइंटमेंट हो गया आपका, लेकिन आप पहले ये देखते हैं कि ये कंपनी जहाँ हम जॉब करने जा रहे हैं वो इस लायक है कि वहाँ जॉब की जाए, या फिर उसका प्रोफाइल क्या है, कितने सालों से वो कंपनी इस्टेब्लिश है, क्या कर रही है वो कंपनी, इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं। तो जब आप ज़िंदगी का इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, इतना पैसा लगाने जा रहे हैं जिस चीज़ में, तो उसके बारे में रिसर्च क्यों नहीं करेंगे। तो आपको ये चीज़ें बहुत प्रैक्टिकली समझनी होगी कि बिजनेस करने के पहले आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आप कंज्यूमर को समझते हैं, डिमांड को समझते हैं, जो आपकी इंडस्ट्री के कस्टमर बिहेवियर हैं उसको समझते हैं, कॉम्पिटिशन को समझते हैं, कॉम्पिटिशन में कितना पैसा लगने वाला है आपका और कितने एफर्ट लगने वाले हैं, उस चीज़ को एनालाइज करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी मार्केट रिसर्च में आ जाती हैं। अब मार्केट रिसर्च करनी कैसे है, तो बहुत लोग कहते हैं कि आप इंटरनेट पर ढूंढिए, उनकी डायरेक्टरीज में ढूंढिए, कौन कौन से कॉम्पिटिशन है, कस्टमर किस तरह से बिहेव करते हैं। आजकल इंटरनेट पर काफ़ी जानकारी मिल जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है इंटरनेट पर हमें अधूरी जानकारी मिलती है। जो प्रोडक्ट एक्चुअली में हम बेचने जा रहे हैं मार्केट में, उसकी मार्केट में डिमांड क्या है, हम इंटरनेट से पता नहीं कर सकते हैं, या फिर पता कर पाएंगे तो बहुत कम हद तक पता कर पाएंगे, एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाएगी। एक तरीका तो ये है, कोई आपको बताने वाला हो, कोई गाइड करने वाला हो, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा हो, उस तरह का बिजनेस कर रहा हो, वो आपको गाइड कर सकता है कि हाँ इसमें ऐसे कॉम्पिटिशन मिलता है, इस तरह के कस्टमर हैं, इतनी डिमांड है इसकी, इन चीज़ों के बारे में कोई बता दे आपको, तब तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा कोई आदमी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता जो हमें बताए। तो सबसे अच्छा तरीका है, आप किसी भी चीज़ की मार्केट रिसर्च करना चाहते हैं, भविष्य में उस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं, तो पहले उसकी किसी इस्टेब्लिश प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी ले लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप किसी प्रोडक्ट की जिसकी आप बिजनेस करने वाले हैं भविष्य में, उसकी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं आज, तो सारे काम आप कर सकते हैं। आप मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं, उसके बारे में कस्टमर से पूछ सकते हैं, कस्टमर उसके बारे में कैसा रिएक्शन दे रहा है, उसके बारे में रिटेल स्टोर से पूछ सकते हैं कि रिटेल स्टोर वाला कैसा रिएक्शन दे रहा है उसके बारे में, वो परचेज़ करना चाहता है या नहीं, वो कस्टमर की डिमांड क्या है, उसमें कॉम्पिटिशन क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी और बहुत कम पैसे खर्च करके। अगर आप उस फ्रेंचाइजी को सही तरह से यूज़ कर पाते हैं, सही तरह से उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो सेल बढ़ जाएगी आपकी। आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन कितना है, कस्टमर कितने हैं, डिमांड कितनी है, वॉल्यूम कितना है, हर चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी। इसलिए आपके लिए तरीका अच्छा हो सकता है कि जिस भी चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो, तो पहले कोशिश करिए उसकी फ्रेंचाइजी ले लीजिए। जो भी कंपनी उस चीज़ का बिजनेस कर रही है, उस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रही है, उनसे डील कर लीजिए कि हम आपका प्रोडक्ट बेचेंगे, बदले में हम कमीशन लेंगे। तो यहाँ से आपको एक इनकम भी मिलेगी और बहुत बड़ी बात, आपकी मार्केट रिसर्च भी हो जाएगी। तो आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो, अपनी मार्केट रिसर्च इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट आता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तब आपने मार्केट रिसर्च कर ली, सब कुछ कर लिया, सब कुछ सही था, आपने बिजनेस चलाना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। तो जो बिजनेस आपने 3 साल पहले स्टार्ट किया था, अब उसका तरीका चेंज हो चुका है, अब उसके कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो चुका है, वो कस्टमर अलग तरह से परचेजिंग करता है, उसके सप्लायर्स चेंज हो चुके हैं, उसके दाम चेंज हो चुके हैं, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आपको फिर से मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, अपने काम के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको टाइम टाइम पे मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, जिससे आप कस्टमर के बिहेवियर को समझ पाएंगे, और कस्टमर के बिहेवियर को आपने समझ लिया तो आप अपनी सेल में ग्रोथ ला पाएंगे। तो कोशिश करिए समय समय पर मार्केट रिसर्च करते रहिए। वो एक पर्टिकुलर टाइम हो सकता है आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, 1 साल 2 साल 3 साल कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करिए, काम करिए जिससे आप कस्टमर को सही तरह से समझ पाएंगे।
अगर आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं तो पहले ये समझ लीजिए कि आप अच्छी तरह से मार्केट रिसर्च कर लीजिए, जिससे आपका पैसे ना फंसे, जिससे आपके एफर्ट बेकार ना हो। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों, कोई फ़ायदा नज़र आया हो, तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।